The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे एब्सेस की। जी हाँ, सो जैसा कि आप जानते हैं, सारे के सारे वीडियोस हम बनाते हैं विथ रेफरेंस टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन US, ताकि सारी जानकारी जो है ये किसी एक डॉक्टर का ओपिनियन ना हो, ये पूरी दुनिया के डॉक्टरों का कंसाइज्ड जो नॉलेज है ये आपको मिल रहा है, राइट। सो व्हाट एम आई एक्सप्लेनिंग टुडे, इट्स एन एब्सेस। एब्सेस मतलब क्या है? एब्सेस मतलब पस का कलेक्शन। आपके शरीर में कहीं भी एब्सेस हो सकता है, आपके स्किन में हो सकता है, आपकी हड्डी में हो सकता है, आपके मसल में हो सकता है, आपके बोन में हो सकता है, आपके दांतों में, मसूड़ों में, आपके ब्रेन में, आपके लिवर में, आपकी किडनी में, कहीं भी एब्सेस हो सकता है। मोस्ट कॉमन इज इन द स्किन, पेट के अंदर हो सकता है, लिवर के अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं लिवर एब्सेस, अमीबिक लिवर एब्सेस इज वेरी कॉमन। एनोरेक्टल नीचे जो एनस के पास एब्सेस हो सकता है, बहुत कॉमन, बड़े बड़े एब्सेस होते हैं वहाँ पर। देन फीमेल्स में देयर कैन बी एब्सेसेस इन द वजाइनल एरियाज, नियर वजाइनल एरियाज, लिवर एब्सेस तो पता ही है, पेरिटॉन्सिलर टॉन्सिल्स में एब्सेस हो सकते हैं, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में एब्सेस हो सकते हैं, एपिड्यूरल ब्रेन की कवरिंग में एब्सेस हो, एब्सेस कहीं भी हो सकते हैं। सो द आइडिया इज, जहाँ भी इन्फेक्शन होता है, एब्सेस क्या है, जहाँ भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, पस कलेक्शन, पस क्या है, पस क्या होती है, जब आपकी बॉडी कहीं पे इन्फ्लामेशन के लिए अपने जो WBCs वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा बनाती है, वो ज़्यादा है वहाँ पर, और वो टिश्यू जो है इन्फेक्टेड है, अगर वहाँ इन्फेक्शन है तो WBCs इम्यून सिस्टम वहाँ जाके उसको फाइट करते हैं। जब वो फाइट करते हैं वहाँ पर, WBCs वहाँ जाके इन्फेक्शन के डैमेज टिश्यू में कलेक्ट होते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वहाँ पर पस फॉर्मेशन होती है। WBCs और वो जब फाइट करते हैं, उस फाइटिंग के बाद में जो बेसिकली डेड बॉडीज होती हैं, बैक्टीरिया मरे हुए, WBCs मरे हुए, वो डेड बॉडी इकट्ठे होके पस बनते हैं। पस जितना ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा हो गए वहाँ उतना ज़्यादा पस, जितना इन्फेक्शन उतना पस, राइट। कई बार इन्फेक्शन ऐसा है, पस जमा हो गए उसके बावजूद इन्फेक्शन है यहाँ पे WBC और फाइट होती जा रही, तो इन्फेक्शन मौजूद है। ऐसा नहीं कि पस हो गई मतलब इन्फेक्शन ख़त्म, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन मतलब पस मतलब इन्फेक्शन चल रहा है, योर बॉडी इज फाइटिंग, ट्राइंग टू फाइट बेसिकली। पस बिल्डअप होता है, उसमें पानी होता है, डेड एंड लिविंग WBCs होते हैं, डेड टिश्यू होता है, बिकॉज टिश्यू का भी डैमेज हो रहा है वहाँ, स्किन हो या हड्डी हो, जहाँ भी पस है उस टिश्यू का मसल है उसका डैमेज हो रहा है, और जो भी बैक्टीरिया फंगस जो भी होता है वो फॉरेन सब्सटेंस वहाँ होता है। कई बार अगर कोई फॉरेन बॉडी आ जाए वहाँ भी पस बन जाता है, सुई घुस गई वहाँ, सुई में पस बन गई, राइट, नेल घुस गया वहाँ, नेल में पस बन गई, राइट, सुई पड़ी रह गई अंदर, पस बन गई, राइट। सो इन्फेक्शन भी होता है, फॉरेन बॉडी भी रह सकता है। सो पस इज दिस, एंड पस ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी कहीं भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन इज अंडर योर स्किन एंड टीथ, अराउंड योर टीथ। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पैरासाइट एंड फॉरेन सब्सटेंसेस आर मोस्ट कॉमनली कॉजेस पस, एंड वायरसेस पस नहीं बनाते बेसिकली। देन पस जहां भी होगा वो एरिया जो है वो इजीली दिख जाएगा। स्किन वाले एब्सेस तो आराम से दिखेगा, पेट वाले अंदर से तो देखने पड़ेंगे CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ऐसी चीज़ों में। जहां भी पस होगा वहां पे सूजन होगी, वहां लालपना होगा, वहां हाथ लगाने से दर्द होगा, रेज्ड सूजन होगी। एब्सेस कई ऐसी जगह जहां पे नहीं हो, दिख रहे, लिवर के अंदर हो, पेट के अंदर हो, तो फिर आपको वो अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन या MRI स्कैन में दिखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन से, हाथ लगाने से बाहरी एब्सेस सारे दिख जाएंगे। अल्टीमेटली आप एब्सेस अगर आपको कोई दिखता है या सूजन दिखती है जो एब्सेस जैसी है, लाल है, गर्म है, लगाने से, हाथ लगाने से दर्द होता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आप दो काम कर सकते हो, या तो आप ऑब्वियसली देर इज़ एन इन्फेक्शन, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी एंड पेन किलर्स और एंटासिड्स और प्रोबायोटिक्स उसे देने पड़ेंगे, मगर जो मेन ट्रीटमेंट है कि वहाँ से पस निकालना पड़ेगा। अब पस निकालने से पहले व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट
एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये फंगस तो नहीं है, ये टीबी तो नहीं है, ट्यूबरकुलर एब्सेस भी होते हैं। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस पस से सुई डाल के थोड़ा सा पस निकाल सकते हो, उस एब्सेस से सुई डाल के पस निकाला आपने थोड़ा सा और उसकी टेस्टिंग कर ली, उसकी ग्रोथ में आपको दिख जाएगा कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, ये फंगस है, ये टीबी का है, क्या है। अब क्या होता है, अगर आपने पहले एंटीबायोटिक दे दिया तो कई बार उसमें से पस में जब आप सुई डाल के बाद में दो दिन बाद निकालते हो तो पस में से सारे बैक्टीरिया मरे हुए होते हैं, कोई ग्रोथ नहीं होता, दिखता ही नहीं कौन सा बैक्टीरिया है। इसलिए पहले आपको ये निकाल के चेक करना होता है पस में से, पस पहले निकालो फिर एंटीबायोटिक लो। और ये चीज़ें हैं जो आप मेडिकल स्टोर वाले से, भैया देखो फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो चार गोली एंटीबायोटिक की दे देता है, ले भैया ऑगमेंटिन खा लो, ऐसा नहीं करो। राइट, ऑगमेंटिन दे देते, ये देते, वो देते, कुछ भी देते, गलत है, ऐसे काम ना करा करो। सो प्रॉपर वे जाना आपके लिए सेफ है, आगे चल के वो बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट नहीं होते, तो ऐसे ले लेके वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है, आगे चल के आपके आने वाले पीढ़ियों को वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा, फिर और महंगी दवा और महंगी दवा। मैंने कई बार बोला है वीडियोज में, राइट, सो मत ऐसे नहीं करना। सो गो टू अ डॉक्टर। सो ट्रीटमेंट के लिए जैसे मैंने कहा, एब्सेस पस निकालिए, टेस्ट करिए और फिर उसके बाद एंटीबायोटिक दी, और सेम डे निकाल के दे दो, टेस्ट के रिपोर्ट आने की जरूरत नहीं है, निकाल लिया वो सैंपल बच गया, उसमें आपके एंटीबायोटिक नहीं जाएगी। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, एम्पिरिकल मतलब जो मोस्ट कॉमन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो उस टाइप को इन्फेक्शन को ठीक कर देगी, आपके एक्सपीरियंस में, आपके इलाके पे, आपके हिसाब से कौन सा मोस्ट लाइकली आपका वो पस का कॉजिंग एजेंट होगा, मे बी देर इज अ बैक्टीरिया, राइट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया समथिंग, स्टेफाइलोकोकस मोस्ट कॉमन, ऐसे।